Hey guys, welcome to my new video. So this is Salman. So once again I'm back with another video. So guys, एक क्वारी बहुत थी मुझे फंडिंग को लेकर, स्टेटमेंट्स को लेकर, सी ए फॉर्म सर्टिफिकेट क्या होता है. सो गाइज मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ विद इन लाइक 3 to 4 पॉइंट्स में. सो फंडिंग क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ. जो आपको डॉक्यूमेंट में शो करना होता है, जो बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है, जो आपकी I-20 होती है, जो आपके पास एक I-20 आती है, उसमें जो टोटल अमाउंट आता है लाइक $38,000. सो आपको वो अमाउंट INR में कन्वर्ट करके आपको स्टेटमेंट में शो करना होता है लाइक अराउंड 15 to 30 डेज पुराना, कि वो पुराना अमाउंट हो. सो जैसे आपका जस्ट एग्जांपल 30 lakhs INR आ रहा है, तो आपको 30 to 32 lakh रुपीज़ उस अकाउंट में डलवाने हैं आपके, उसको थोड़ा पुराना करना है और वो आपको स्टेटमेंट शो करना है. साथ में एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि सीए फॉर्म, जो सीए सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, सीए सर्टिफिकेट और सीए फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. कि सीए की एक रिपोर्ट बनती है, उसमें आपकी सारी एसेट्स लाइक आपकी आपका गोल्ड या आपकी ज़मीनें वगैरह, आपकी लैंड वगैरह सब कुछ उसमें ऐड हो जाता है और एक प्रॉपर टोटल वैल्यू निकल जाती है. और उसमें आपकी इनकम वगैरह सब कुछ ऐड हो जाती है, आपकी सेविंग्स ऐड हो जाती है, आपका लोन ऐड हो जाता है. तो सीए जो रिपोर्ट होती है उसमें सब कुछ ऐड हो जाता है और एक ईजिली हो जाता है कि जब आपसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई काउंसलर कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि लाइक शो अस द स्टेटमेंट और समथिंग, तो आपके जो एक सीए रिपोर्ट होती है उसमें उसको उनको पूरा आइडिया लग जाता है कि हाँ आप अच्छे एक फैमिली बैकग्राउंड से, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो और आपके पूरे एक्सपेंसेस को, आपका पूरा खर्चे को उठा पाओगे ईजिली. जब आपका सीए जो रिपोर्ट होता है सारा खर्चा आप अपना उठा पाओगे. तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप एक सीए रिपोर्ट लेके जा रहे हो साथ में, वरना स्टेटमेंट भी आप लेके जाते हो वो तो कैरी करना ही होता है साथ में. सो गाइस ये होता है फंडिंग का. दूसरा आप अगर अगर आप अगर आप फंड्स अरेंज नहीं दूसरा अगर आप फंड अरेंज नहीं कर सकते गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोन सैंक्शन लेटर भी बनवा सकते हैं. मतलब लोन जो आपका जो लोन अप्लाई करोगे, जो लोन होगा तो उसका एक सैंक्शन लेटर मिलता है, वो आप कैरी कर सकते हैं साथ में. 70-80% जो आपका लोन हो रहा है वो आप लेके जा सकते हैं और जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो आप स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल आपका 20 to 23 lakhs रुपीस लोन हो गया और 8 lakh रुपीस आप अपने स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं. सो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, सी रिपोर्ट में आपका लोन का भी मैंशन हो जाएगा. सो ये सी था फंडिंग में वीडियो. और कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं कि फंडिंग में इतना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बस आपको वही जो I-20 आती है वही शो करना होता है और जो लोन सैंक्शन लेटर बनता है, जैसे लोन अगर आप करवा रहे हैं तो वो टोटल अमाउंट पे आपका लोन होएगा. तीसरा आपका सी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, आपकी सारे एसेट्स वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं, पूरे एक वैल्यू बन जाती है आपकी, सारी इनकम सोर्स वगैरह सब कुछ उसमें दिख जाता है. तो एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है जब आप काउंसलर को शो करते हो. सो गाइस ये था एक फंडिंग पे वीडियो. और भी कोई क्वेरी आप मुझसे बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का, आपको आप मुझे हल मैसेज कर सकते हैं कभी भी. आपको जब भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, मुझसे कभी भी मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे फ्री हूँ आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो. बाय.